बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल फॉर पेरेंट्स गाइडेंस एंड असिस्टेंस। सीरीज़ हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्री लर्निंग स्किल, प्री वर्बल स्किल, प्री लैंग्वेज स्किल्स, ये क्या होती हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर। इन लास्ट सीरीज वीडियो वी डिस्कस्ड अटेंशन, टर्न टेकिंग, मैचिंग एंड नाउ विल डिस्कस इमिटेशन। इमिटेशन इज़ अ नेचुरल स्किल जो कि बच्चा बहुत छोटी एज में पिक कर लेता है, एक अर्ली ईयर्स इन्फेंसी के जो होते हैं उसके अंदर वो पिक कर लेता है। डिफरेंट एक्शंस को वो जो है इमिटेट कर रहा होता है। इमिटेशन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ प्री लर्निंग स्किल्स अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरह की होती है, वर्बल इमिटेशन और इमिटेशन ऑफ एक्शंस, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। वर्बल में ही हैज़ टू अटर समथिंग साउंड और वर्ड, और एक्शंस में जो है उसने वो एक्शन परफॉर्म करना होता है जो उसने किसी के पास करते हुए उसको देखता है। इसको डेवलप करने के लिए अगर ये नेचुरल वे में डेवलप ना हुई हो और इसमें ये इमिटेशन का एरिया उसका वीक हो तो उस सूरत के अंदर हम उसको सिखाते हैं यूजिंग सम एक्टिविटीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके लेवल से रिलेटेड होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है सो दैट के बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, इसमें इंटरेस्ट ले। अगर वो एक्टिविटी उसकी एज, मेंटल एज से अबव है या बिलो है अगेन, तो शायद वो उसको में उतना इंटरेस्ट ना ले। जब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उस सूरत में वो उसको इमिटेट करना जो हम सिखा रहे हैं एक्शंस में, वर्ड्स में, साउंड्स में, किसी में भी, वो उसको सीखना उतना अच्छा उसका लाइकली नहीं है। अटेंशन लेना तो डेफिनेटली एक प्रीरिक्विजिट है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। एट द सेम टाइम उसमें उस एक्टिविटी का उसके लिए इंटरेस्टिंग होना इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको इंजॉय करे। अगर वो एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें कि बच्चा इंजॉय नहीं कर रहा होगा तो शायद वो उसको उतना अच्छा ना सीख पाए। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटे बच्चे के साथ अर्ली ईयर्स के अंदर जब हम बात करते हैं, मैंने अगर बॉल से खेलना है तो मैंने उस बॉल से खेलने को इमिटेट करने को मैं कहता हूँ इसको ऐसे फेंकें या ऐसे करें या ऐसे उछालें, जो भी मैंने उसको इमिटेशन सिखा रहा हूँ, तो उस सूरत में मुझे उसको फन के तौर पे उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। ये लो, ये क्या है, बॉल, बॉल को फेंको, चलो जी, ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से। मैं अपनी आवाज़, अपना लहजा, अपने एक्शंस, उनके ज़रिए उस एक्टिविटी को उसके लिए इंजॉयबल बनाऊंगा, सो दैट ही स्टार्ट टेकिंग एज अ फन एक्टिविटी एंड ही इंजॉयज इट। अगर वो इंजॉय नहीं करेगा तो फिर शायद उसमें वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो उसको इमिटेशन वाले पार्ट को सीख नहीं पाएगा। फन गेम्स होनी चाहिए, डिफरेंट जो कि हम उसमें इस्तेमाल करें। कोई मास्क दो हैं मेरे पास, मैं खुद भी अपने फेस पे उसको चढ़ाता हूँ, उसके भी उसको देता हूँ कि वो इस्तेमाल करे। कोई हैट है वो मैं अपने सर के ऊपर रखता हूँ, उसके भी सर, वो एक उसके हाथ में है, वो भी अपने हाथ में से अपने हाथ से उसमें अपने सर पर रखता है, पहनता है हैट। अब अगर वो नहीं कर रहा तो मैं प्रॉम्प्टिंग वाला प्रोसीजर जो मैंने पहले डिस्कस किया था वो प्रोसेस भी हम साथ साथ कर सकते हैं। ग्लासेस हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐसी जो कि उसको एक्शन करने में उसको मज़ा आए, उसको इंजॉय करे और आपके चेहरे को देखे और उसके भी वो कैसा लग रहा है उस ग्लासेस को पहन के। अब वो एज्यूम करेगा कि मेरा भी ऐसे ही लग रहा हूँ, या मैं उसको मिरर को इस्तेमाल करते हुए भी शायद उसको दिखा दूँ कि ये देखें आप भी ऐसे ही लग रहे हैं। सो दिस इज़ द वे वी मेक द थिंग्स इंजॉयबल टू द चाइल्ड। नाउ ही टेक्स इंटरेस्ट और अब वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और अच्छा उसको स्किल को सीख लेता है। सिमिलरली डिफरेंट मॉडल्स इसके टॉयज में जो होते हैं, इसके डॉल हो गई, कोई बियर हो गया, कोई पू हो गया, समथिंग लाइक दैट, बड़े करेक्टर्स आजकल आए हुए हैं, उन करेक्टर्स को इन्वॉल्व करके उनके साथ इंटरेक्ट करना जो है वो भी उनको बड़ा पसंद होता है बच्चों को। अब उसको मैं उस अंदाज से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर डॉग है तो उसको मैं उसको पैट कर रहा हूँ, डॉल है उसको मैं सुला रहा हूँ, उसको फीडर दे रहा हूँ, अब वो उसको भी उसको मैं देता हूँ कि भाई ये आप भी इसको दूध पिलाएं, आप भी
इसको सुलाएं, आप इसको बिठाएं, आप इसको खिलाएं, ख़ुद भी साथ वो करता हूँ। अब इस अंदाज से वो जो है डिफरेंट चीज़ों को जो है इमिटेट करना शुरू कर देता है, जैसे मैंने किया या किसी और ने किया, वो देखता है और उस अंदाज से वो उसको ख़ुद भी जो है इमिटेट करता है, और एक इमिटेशन की स्किल आहिस्ता आहिस्ता उसकी इस अंदाज से डेवलप हो जाती है। राइम्स, पोइम्स, नर्सरी राइम्स जो हैं ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को अर्ली ईयर से ही, अगर हम उसको सिखाना शुरू करते हैं तो वो उस अंदाज से जो है उसको सीख लेते हैं और उसको उन एक्शंस को जो उसमें होते हैं उन एक्शंस को कॉपी करते हैं, और ना करें तो हम उसको अगेन उन एक्शंस को परफॉर्म करवा देते हैं उनसे। और राइम्स के अंदर चूँकि एक रिदम होती है, एक म्यूज़िकल एस्पेक्ट होता है, उसमें बच्चे की अटेंशन जो है वो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा आ जाती है। समटाइम्स हमें थोड़ा सा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो बच्चे रेपिटेटिव होते हैं उनके इस एस्पेक्ट को हमें ख्याल रखना होता है कि कहीं हम एक ही राइम एक ही एक्शन तो नहीं बार बार उसको करवा रहे। अब शायद वो इमिटेशन, मैं समझ रहा हूँ कि वो इमिटेट कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो रिपीट कर रहा होता है। दिस इज़ अ बिट ट्रिकी टू आइडेंटिफाई कि क्या वो उसको इमिटेट कर रहा है जो मैं करवा रहा हूँ, या उसको एक रेपिटेटिव वे में उसको परफॉर्म कर रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखने के लिए अलर्ट और इस फीचर ऑफ रेपिटेटिवनेस को हमारे जहन में होना चाहिए कि हम जो भी काम उसको करवा रहे हैं उसको हम पहचान सकें कि क्या वो एक्चुअल में इमिटेशन है या रेपिटेशन है। इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना इज़ द आर्ट इन फैक्ट, और अगर वो रेपिटेटिव हो तो फिर हमें उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, एक्टिविटी चेंज करनी चाहिए सो दैट के वो उसमें उसको रेपिटेटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन होने की अपॉर्चुनिटी ना मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्किल इज प्ले। प्ले बड़ा अजीब लगता है कि हम किसी को कुछ खेलना सिखा रहे हैं, कार के साथ, डॉल के साथ, ब्लॉक्स के साथ। इट लुक्स अ बिट ऑड, बिलो लेवल काम हमें लगता है कि हम किसी को खेलना सिखा रहे हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बच्चे को खेलना नहीं आता होता, उसने वो खेलने के लिए जो चीज़ें एक पीरियड होता है, एक इनपुट होती है जो उसको मिलनी थी, वो पीरियड क्रिटिकल जो है वो उसका मिस हो जाता है। अब उसको चीज़ों से खेलना नहीं आता, हमने उसको खेलना सिखाते हैं। समटाइम्स बींग पेरेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको कार से खिलाने की क्या ज़रूरत है, ये तो खुद कार चला सकता है, ये तो कार को ऐसे ऐसे खुद ही कर सकता है, तो मैं इसको क्या कार से खेलना सिखाऊं। लेकिन वो बच्चा जब ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो उसको एक चीज़ को, एक एक्शन को एक ही अंदाज में रिपीट कर रहा है, दर हकीकत उससे खेल नहीं रहा। इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें पहचानना चाहिए, और अगर उसने ये खेल भी उसका है तो इससे अगले स्टेप पे भी खेल का जाना ज़रूरी है, सो दैट कि उसका काम जो प्ले का जो एक्टिविटी है ये प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े। आगे बढ़ने से मुराद ये है कि उसकी लर्निंग इन्हेंस हो बेसिकली, क्योंकि खेल में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। जब वो अकेला ही खुद ही अगर अपने टॉय से खेल रहा है, अब उसकी लर्निंग महदूद है और उसकी लर्निंग शायद एक उस अंदाज की ही है जिस अंदाज से उसने सीखा हुआ है अब तक उस काम को करना। वो खेल का ऑब्जेक्ट क्या है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो जिसको वो इंजॉय करेगा उस चीज़ से वो खेलेगा। अब अगर उसको खेलना ही नहीं आता है या उसकी काम चीज़ों की सिलेक्शन में ही वो चीज़ें नहीं है कि मैंने किस चीज़ से कैसे खेलना है, अब उसके वो बिहेवियर्स जो होते हैं वो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स बनते जाते हैं ओवर द पीरियड। कभी वो किसी चीज़ को ले लेता है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, कभी वो किसी चीज़ का धागों के साथ स्ट्रिंग्स के साथ खेलने लग जाएंगे, उसी में इमेजिनेशन में चले जाएंगे, कभी वो अपने ही रिफ्लेक्शन को इंजॉय करते रहेंगे मिरर के सामने या शेडो को अपने को इंजॉय करते रहेंगे, समटाइम्स कोई पेपर के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, समटाइम्स बॉटल कैप के साथ हो जाएगा। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग क्लिप्स में भी डिस्कस की थी कि ये जो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर इस तरह के होते हैं रेपिटेटिव अंदाज के, इनके डेवलप होने की रीजंस प्री लर्निंग स्किल्स का ना होना है, क्योंकि उसको खेलना आता ही नहीं है किसी चीज से, उसने सीखा ही नहीं है कि मैंने कैसे खेलना है। अब उसको हम खेलना सिखाते हैं,
कि कार है इसको पुश करना है, कार को हॉर्न भी ब्लो कर पोम पोम ब्लो करना है, कार का दरवाज़ा खोलना है, कार को रोकना है, कार को चलाना है, कार को मोड़ना है, कार को प्रिटेंड करना है प्ले को उस अंदाज से सिम्बॉलिक और वो डिफरेंट प्लेस की हमने बात की थी पिछले क्लिप्स के अंदर, इसी सीरीज़ के टाइप्स ऑफ प्लेज हमने बात की थी ना डिफरेंट होते हैं, तो वो उस लेवल से एक लेवल से ऊपर करते हुए हम उसको खेल को बढ़ा रहे होते हैं उसका लेवल आप कह लें। खिलाने के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या टिप्स के तौर पे वी कैन ऑलवेज सी कि हम अपने बच्चे को अकेले खेलना ना दें, हम ये मत चाहें कि वो जो है अकेले बैठा खेलता रहे, हमें उसको इन्वॉल्व करना है अपने साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट चीज़ों के साथ सो दैट कि वो अकेला ना खेले बल्कि वो उस किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो आइदर इन पर्सन और विद ऑब्जेक्ट। अब उसमें अपॉर्चुनिटी लर्निंग की जो है वो बढ़ जाती है। लर्निंग किस तरह की, स्पीच से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड, वो सारी एरियाज उसके उस खेल खेल के अंदर हम उसके उसको सिखा उसको सीखने का मौका दे रहे होते हैं। जब हम उसको इंटरेक्ट करते हैं कार के साथ, हम उसको टच भी करवाते हैं, हम उसको कुछ उसके बारे में बताते भी हैं, बॉल के साथ करते हैं अगेन उसमें मोटर स्किल्स आ जाती हैं, थ्रो करवाते हैं, रोल करवाते हैं, कैच करवाते हैं, तो ये छोटे छोटे काम जो हैं वो ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की तरफ उसकी मोटर स्किल चली जाएंगी। तो इस तरह से खेल खेल के अंदर हम उसको डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखने की अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं और वो उसकी मेमोरी में जाके सेव हो रही होती है। जिस तरह से ज़्यादा जब वो एक काम के साथ इन्वॉल्व होता है, अब उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में पैदा होना शुरू हो जाता है, खेल के ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर प्लेइंग के अंदर वो आना शुरू हो जाता है। अगर वो हम खेल इसका ना कराएं तो उसका इंटरेस्ट जो है वो उस तरह की चीज़ों में चला जाएगा जिसको भी उसने जिस अंदाज से भी कुछ अरसे के लिए इंटरेक्ट किया, वो पेपर थ्रेड ये डिफरेंट चीज़ें जो मैंने बताई हैं उस तरह की हो सकती हैं। आपको चीज़ों के अप्रोप्रिएट इस्तेमाल का टॉयज़ के साथ प्रॉपर खेल के बारे में बच्चे को बताना होता है कि ये डॉल है इसको ये खिलाएंगे, ये नहीं कि डॉल को बॉल की तरह फेंकने लग जाए, किक करने लग जाए, कार को वो जो है उसमें ब्लॉक्स की तरह कारों को एक दूसरे के डिंकी कारों को ऊपर ऊपर नीचे रखने लग जाए या उनको लाइन अप करना शुरू हो जाए, उसको आता नहीं इनफैक्ट खेलना। हमने उसको अप्रोप्रिएट प्लेस सिखाना होता है कि आपने किस तरह से खेलना है, हम उसको हेल्प करते हैं। अब उससे उसके जो है ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होती है और वो उसका ब्रेन जो एक नैरो अप्रोच के साथ डेवलप हो रहा था, अब वो वाइडन होना शुरू हो जाता है, उसको समझ आती है कार के साथ ऐसे भी खेल सकते हैं, कार के साथ ऐसे भी खेल सकते हैं, बॉल के साथ ऐसे भी खेल सकते हैं, बॉल को बैट के साथ भी खेल सकते हैं। तो ये डिफरेंट डेवलपमेंट उसकी प्ले थेरेपी के अंदर हम उसको खेल खेल के अंदर सिखा रहे होते हैं। एक्टिविटी को अट्रैक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। जो भी काम अगर करवा रहे हैं आपको बेसिकली बच्चे के लेवल पे जाके उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगर आप खुद बड़े लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा है, मेंटली छोटा या क्रोनोलॉजिकली छोटा, दोनों तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस सूरत में शायद वो एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छा इंजॉय ना करे और एक लिमिटेड सा उसको लेवल का की अटेंशन दे और वो उसके बाद उसमें डिसइंटरेस्टेड हो जाए। अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसको सिखाने की वो मिस हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें जिस बच्चे के साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी मेंटल एज के मुताबिक उस लेवल पे जाके इंटरेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसको उस अंदाज से नहीं डील करते हैं बल्कि हम उसको एक बड़ों अगर बड़ा बच्चा भी है लेकिन उसकी ये स्किल्स मिसिंग है और अगर हम उसको एक उस अंदाज से डील करें कि भाई ये तो इतना छोटा सा काम है इसको आना चाहिए और वो उसको हम प्ले थेरेपी के में उसके लेवल पे जाके अट्रैक्टिव ना बनाएं, अब उसकी वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी उसमें मिस हो सकती है। सिटिंग टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता सिटिंग को बिकॉज ऑफ सेंसरी इश्यूज भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द थिंग कि उसने बैठने की हैबिट ही उसकी नहीं रही है, हाइपर एक्टिविटी भी उसकी रीज़न हो सकती है, उसको उसने ये सीखा ही नहीं है कि मैंने बैठ के खेलना है। अब उसके लिए ऑन द मूव रहता है, इधर से उधर रहता है, कभी इधर चढ़ता है कभी उधर चढ़ता है, जब वो मूवमेंट में है बैठ नहीं रहा उस अंदाज से, स्टैटिक नहीं है, अब ना उसको कोई आवाज़ सही सुनाई देगी, अप डाउन होती रहेगी,
ना उसको उस चीज़ को डिफरेंट चीज़ों को फोकस करके जो एक इनपुट उसके ब्रेन में जानी थी वो भी मिस हो जाएगी। तो उसके लर्निंग का पैटर्न जो है वो अच्छे अंदाज से डेवलप नहीं हो पाएगा इफ़ द चाइल्ड डजेंट हैव सिटिंग टॉलरेंस। सिटिंग टॉलरेंस कैसे डेवलप की जा सकती है, हम उसमें टॉलरेट करना उसका स्पैन बढ़ाते हैं, कम से शुरू होते हैं, ज़्यादा की तरफ जाते हैं और ग्रेजुअली उसको हम बढ़ाते हैं, उसकी पसंद की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, उसके इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए उसको इनिशिएट करते हैं, उसके इंटरेस्ट की के टॉयज चीज़ें वो हम उसको देते हैं, अब वो वहाँ पे बैठने को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप ये कह लें अगर वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से या बाकी फैक्टर्स जो मैंने बात की है कि सिटिंग में जो हर्डल कर रहे होते हैं उनकी वजह से अगर नहीं बैठ रहा था तो वो उस इंटरेस्ट की एक्टिविटी, इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो उस चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू कर दिया उसने। अब वो कितना हमें प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ ये वेरी करता है हर बच्चे के हवाले से कि उसको कितना हम उसके लेवल पे ले जा सकते हैं, उसका टॉलरेंस का लेवल ग्रेजुअली हम उसको जो है बढ़ाते रहते हैं। और अगर हम उसको जब किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व करने के लिए उसको हम एक्टिविटी के किसी के इंतज़ार में अगर हमने उसको वेटिंग पे उसमें रखा है तो उस वेटिंग को भी हमें उसके लेवल के मुताबिक प्रोलॉन्ग करना चाहिए और ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। समटाइम्स हम चाहते हैं कि बच्चा बैठ जाए, बग़ैर किसी वजह के बैठना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैं क्यों बैठा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। एक बच्चे से हम चाहते हैं कि वो बग़ैर वजह के बैठ जाए। अगर मैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के ये बात ना कर रहा हूँ और मुझे ये अंदाज़ा ना हो कि यहाँ से उठ के जाने से मेरा काम डिस्टर्ब होगा तो शायद मैं भी इतनी देर यहाँ पे ना बैठ सकूँ। मैं भी उठ के कभी इधर जा के कुछ देखूँगा, कभी उधर जा के देखूँगा, फिर आगे बैठ जाऊँगा, फिर चला जाऊँगा, कुछ ना कुछ हरकत एक्टिविटी मैं जनरेट करूँगा अपने इस टाइम के अंदर विदाउट एनी रीज़न। मैं या आप भी नहीं बैठ सकते हैं। बच्चे से हम चाहते हैं कि हम कह रहे हैं बैठ जाओ तो उधर बैठ जाए बग़ैर एक्टिविटी के। अभी उसका स्पैन ही उतना नहीं है, अभी उसका टॉलरेंस का लेवल ही उतना अचीव नहीं हुआ, तो हम उसको किस तरह बिठा सकते हैं बग़ैर एक्टिविटी के? नहीं बिठा सकते। किसी एक्टिविटी के वेट के लिए थोड़ी देर शायद वो बैठ जाए, अगर मैंने उसको कोई कमिट की हुई है एक्टिविटी, अब मुझे वो कमिटमेंट भी पूरी करनी है, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को बिठाने के लिए उसका कोई एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी उस एक्टिविटी के अंदर, अब वो उसके लिए बैठना जो है आसान हो जाएगा। अटेंशन लेने के लिए आप उसके उस तरह के टॉयज इस्तेमाल करें जो कि उसके जो उसको पसंद हैं और उसकी एज के अप्रोप्रिएट हैं। एक छोटे बच्चे को हम बहुत बड़े लेवल का टॉय जो उसकी एज का नहीं होना चाहिए वो दे देंगे तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और बैठना तो फिर बात की बात है। पहले तो वो उस एक्टिविटी को एंजॉय करेगा तो उसमें तवज्जो के साथ एक हिलजुल किए बगैर बैठना सिखा रहे हैं हम उसको, तो वो उसके इंटरेस्ट का या उसके एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं है तो वो उसको नहीं है, उसके लिए मुश्किल होगा उतनी देर तक स्टिल बैठना या तवज्जो देना जो कि नेचुरली हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। हम बच्चे को बैठने का तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ जाए, बट वी डोंट गिव हिम प्रॉपर अटेंशन और वी डू नॉट एस्टेब्लिश सम कम्युनिकेशन उसके साथ वर्बल। अब उसके लिए वो वहाँ पे बैठना टॉलरेट करना उसको जो है डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसके अंदर वो उतना एक्सेप्टेंस ही नहीं है बैठने की, अभी तक उसने वो सीखा ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है। तो उसको टॉलरेट करने के लिए हमें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। अगर हम एज अ सेशन बात कर रहे हैं, सेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं या होम इन्वायरमेंट में अगर हम डेली रूटीन के अंदर भी उससे उसकी सेटिंग को कर रहे हैं तो मैं उसको शायद एक जगह पर बिठा के अपना काम भी कर रहा हूँ लेकिन मैं उससे साथ बातचीत भी बीच में कुछ ना कुछ करता रहूँगा सो दैट के वो उसको डिस्ट्रैक्ट होता रहे, उसको वो जो मुश्किल लगता है बैठना वो उसको उसकी तरफ तवज्जो ही उसकी ना जाए। और मैं उसके लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा। अब छोटा बच्चा है तो मैं खुद भी बच्चों वाली अंदाज में उससे इंटरेक्ट करूँगा, बड़ा है तो मैं उस तरह बात करूँगा। ये चीज़ अगर आप डेमोंस्ट्रेशन में देखना चाहें तो ये वीडियोज़ जो स्टेप टू लर्न पे बच्चों के साथ मैंने की हुई हैं उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक छोटे बच्चे से मेरा बात करने का अंदाज़ कैसा है और एक बड़े बच्चे के साथ किस अंदाज का है। देयर इज़ टोटली डिफरेंट।
जो बात चीज़ें बच्चा देख रहा है, जो जो चीज़ें आप उसके पास हैं या उससे रिलेटेड हैं, जिनका कोई लिंक है उसके साथ, उन चीज़ों के बारे में बात करें उसके, उन चीज़ों के बारे में बताएं उनको, उसको उन चीज़ों, उन एक्शंस के बारे में बताएं जो उसने करता है, वो जो भी एक्टिविटी सारे दिन में देखता है उससे रिलेटेड उससे बात करें। अब उसका इंटरेस्ट मेंटेन होगा, अब उसके लिए सिटिंग को टॉलरेट करना आसान हो जाएगा निस्बतन, बजाय इसके कि मैं उसको सिर्फ बैठने के लिए वैसे ही चाहूँ कि वो बैठा रहे और मैं अपना काम करता रहूँ, उसको मैं तवज्जो ना दूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सोशलाइजेशन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्वाइवल के लिए, एक सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्शन के हवाले से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सोशलाइजेशन बहुत अर्ली स्टेज से बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, पहले फैमिली मेंबर्स जो क्लोज़र होते हैं उनके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है एक नेचुरल वे में। समटाइम्स बच्चा जब अटेंशन नहीं देता तो वो इन सारी चीज़ों को उस अंदाज़ से सीख नहीं पाता। अब वो सोशलाइज़ कैसे किया जाता है, क्या उसको करना चाहिए, उन चीज़ों को भी वो नहीं सीख पाता। अब हमें उसको वो सिखाना पड़ता है, उसके लिए हम उसकी इंटरेस्ट की चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए उसके साथ इंटरेक्शन बढ़ाते हैं अपना। उसकी नज़र जिस चीज़ पे जा रही है वो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ है। अब हम उसकी नज़र जिस टॉय पे, जिस चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे गई है या जो चीज़ वो ज़्यादा अपने पास रखता है, उन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए उनके साथ, उसके साथ इंटरेक्शन हम स्टार्ट करते हैं लेने देने से, रखने डालने से, और ग्रेजुअली हम उस पर उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को वो देख रहा होता है, इन्वॉल्व हो रहा होता है उसके बारे में, हम उसकी लेवल ऑफ चाइल्ड के मुताबिक हम उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वर्बली भी हम उसको आसान ज़ुबान में उसके साथ हम जो है बातचीत कर रहे होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उन एक्शंस के बारे में जो वो कर रहा होता है। बच्चे के साथ छोटी छोटी स्टोरीज का सुनाना जो है ये भी सोशलाइजेशन का पार्ट इन्हेंस करता है। हम उसके लेवल की स्टोरीज उसको सुनाते हैं जिसको वो इन्जॉय करता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, अटेंशन देता है, मेमोराइज करता है, उसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, उसको सुनने के वाला जो एस्पेक्ट है वो डेवलप कर रहे होते हैं। और उसको हम छोटे छोटे पीसेज में भी कर सकते हैं लेवल के मुताबिक, एक टाइम जितनी देर वो तवज्जो दे सकता है उसके मुताबिक हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सारा ही आपने वन गो में उसको कराना होता है। इंटरेक्टिव गेम्स हम उसके साथ खेलते हैं, छुपन छुपाई हो गया, गुदगुदी करना हो गया, और सिमिलरली ये जो भाग दौड़ है वो भाग रहा है, मैं पीछे उसके भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ मेरे पीछे वो भाग रहा है। स्टार्ट में एक अपने एक इंडिविजुअल के साथ होता है, फिर हम पीयर मिला लेते हैं, दो पीयर कर देते हैं, इस तरह से जो जो उसके गिरद बच्चे या पीयर उसके साथी बढ़ते रहते हैं, उस अंदाज़ से उसका सोशलाइजेशन का सर्कल भी इन्हेंस हो रहा होता है। सोशल रेफरेंसिंग हम उसको सिखाते हैं कि वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को, जेस्चर्स को हमारे जो है वो अंडरस्टैंड करें कि उसका मतलब क्या है। हम वो गुस्से के इजहार के वक्त हमारे क्या चेहरे के तासुरात होते हैं, खुशी के वक्त कैसे होते हैं, किसी चीज़ से रोकने के लिए कैसे होते हैं, किसी चीज़ की इजाज़त देने के कैसे होते हैं, वो हमारी आँखों को पढ़ना सीख जाता है, हमारे चेहरे पर के जो तासुरात हैं उनके ज़रिए उसको वो इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सोशलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। इंटरेक्टिव हम होते हैं उसके साथ, उसको आदत डालते हैं इस बात की कि कुछ किसी काम करने से के लिए आपको समटाइम्स किसी से को इन्वॉल्व करना है, उसके साथ मिलके वो काम करना है, शेयरिंग करवाना उसमें आ जाता है, किसी के साथ स्टार्ट शेक हैंड से भी होता है, किसी की तरफ देखना भी सोशलाइजेशन का बिल्कुल इनिशियल स्टेज की सोशलाइजेशन होती है। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, खेल में इन्वॉल्व करके हम उसको सिखा सकते हैं। Here I conclude this series of pre-verbal skills, pre-language skills, pre-learning skills. ये बहुत important skills हैं। इसको ये सीखे बगैर बच्चा जो है अगले step के ऊपर नहीं जा सकता है। बाज़ औक़ात जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम बच्चे को एक चीज़ सिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ के सीखने से पहले जो उस चीज़ें उसको आनी चाहिए वो स्टेप्स हम बच्चे ने की लर्निंग में नहीं होते हैं, उसकी वो मिसिंग होते हैं,
किस वजह से मिस हुए, क्रिटिकल पीरियड मिस हो गया उसका, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स उसमें हर्डल थे, उसको हम उतनी तवज्जो नहीं दे सके, किसी भी वजह से जब वो मैयस उसके वो स्टेप्स उसके जब मिस हो जाते हैं, अब उसको वो चीज़ सीख जो कोई बड़ी स्किल हम सिखा रहे हैं, बोलना लिखना पढ़ना और सोशलाइजेशन जो भी उसके हैं, तो उसके हवाले से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उससे पिछले वाले स्टेप्स जो हैं वो उसके हमें पहले उसको सिखाने होंगे, खेलना खेल खेल के ज़रिए, अटेंशन देना, सिटिंग टॉलरेंस, जॉइंट इंटरेक्शन, उसका इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं उसकी फर्दर लर्निंग के लिए। पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो बच्चे को एक छोटे बच्चे के साथ 3 से 5 साल वाली एज से पहले बहुत सारी चीज़ें उसकी इस तरह की जो प्री लर्निंग स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं एनवायरनमेंट से, उसमें पेरेंट्स ने ही वो काम करने होते हैं, जो मेंबर्स फैमिली के और होते हैं उसके बच्चे के सराउंडिंग्स में, उन्होंने वो काम उसको सिखाने होते हैं, और एक खेल खेल में एक डिफरेंट इंट्रैक्शन के ज़रिए वो चीज़ें उसकी डेवलप हो रही होती हैं, वहाँ से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर वो मिस हो गया हो तो फिर जिस स्टेज पे भी होना है तो उसमें अगेन वो काम पहले हमने करने हैं और फिर बच्चे को नेक्स्ट स्किल्स जो है उसकी तरफ हमने उसको लेके जाना है, ताकि उसकी डेवलपमेंट जो है अप्रोप्रिएट अंदाज में हो, नेचुरल वे में हो, और वो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह चीज़ों को लर्न कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके लिए जब आप लेटर स्टेज पे शुरू करते हैं ये स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको रेडी होना चाहिए मेंटली कि ये मुश्किल होंगी, बच्चा उसमें उतने बच्चा दिखने में बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन वो मेंटली बहुत छोटा है, उसका मेंटल एज बहुत कम है, अब उसको वो चीज़ें सिखाने के लिए आपको उसके लेवल पे जाके उस इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी पेयरिंग को बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड रखना है, मेंटेन रखना है, रीपेयर होना है बार बार, उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को आपने इन्वॉल्व करना है, उसके साथ उसकी एज पर जाके आपने इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, उस लैंग्वेज को अपने को सिंपल रखना है, उसकी अटेंशन के मुताबिक रखना है, ये सारे वो बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए फॉर टीचिंग प्री वर्बल स्किल्स और प्री लैंग्वेज स्किल्स। जहाँ पे वो काम एक आप जो चाह रहे हैं वो ना करें तो अब हमें उसको हेल्प भी देनी है, उस हेल्प को हमने रिड्यूस भी करना है प्रॉम्प्ट को, और उसको इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे लेके आना है एट अर्लीस्ट जितना भी हम उसको ला सकते हैं। जूँ जूँ ये स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, अब बच्चे को हमें ना स्पीच सिखाने की ज़रूरत है ना कुछ और चीज़ें, अब वो एनवायरनमेंट से सीखना शुरू कर देता है नेचुरल वे के अंदर, अब वो इर्द गिर्द फोकस करना शुरू कर देता है, तवज्जो देने लग जाता है, वो चीज़ों को देखने लग जाता है, अब उसके सेंसरी ऑर्गन्स उस इनपुट को ब्रेन में लेके जा आसानी से ले जा सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, वो इमिटेट कर सकता है, दूसरों को देख के काम करना सीख सकता है, उसने ऐसे किया था अच्छा मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। इस अंदाज से ये प्री वर्बल्स या प्री लर्निंग स्किल्स जो होती हैं उसकी फर्दर डेवलपमेंट को स्मूथ करती हैं, सिस्टमेटिक करती हैं, और उसको असिस्ट करती हैं टू लर्न एट अ बेटर पेस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप एंड ट्रस्ट कि मैंने इन चीज़ों को एक अच्छे अंदाज में आपको समझाया है, और इसके डेमोंस्ट्रेशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसमें स्टेप टू लर्न के यूट्यूब चैनल पे मेरे जो इंटरेक्शंस हैं बच्चों के साथ सेशंस के दौरान उनको अगर आप देखें तो ये तमाम प्री लर्निंग स्किल्स और प्री वर्बल स्किल्स जो हैं ये उसके अंदर मौजूद हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको नज़र आएंगी कि मैं किन किन एरियाज़ को फोकस कर रहा हूँ, किन टॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, किस तरह उनसे बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं उनकी अटेंशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ और इन्हेंस कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लेफुल अंदाज में, प्ले थेरेपी के ज़रिए इन चीज़ों को हम बढ़ाते हैं। अब जब ये अचीव हो जाती हैं, अब बच्चे के का लर्निंग प्रोसेस ठीक हो जाता है, अब वो एक नेचुरल वे में चीज़ों को लर्न करने के काबिल हो जाता है। आई होप एंड ट्रस्ट एंड विश कि ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करें सही अंदाज में और आप इसको फोकस कर सकें अपने बच्चों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल, और अगर आप समझें कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हैं या किसी और को हेल्पफुल हो सकती हैं तो प्लीज़ शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन देयर क्लोजर वंस इन द राइट वे at earliest, inshallah ta'ala. Thanks a lot.